गाइस हमें जाने हैं 6th फ्लोर पे, दबा हुआ है, पैसे दबा रहे हैं, बहुत टाइम लगता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यार मैंने जो व्लॉग था वो अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा पहले जाके वो देखना, फिर इस व्लॉग पे आना। तो फिलहाल अभी सुबह के 10 बजे मेरे को मम्मी कह दिया कि कटिंग करवा के आ, तो मम्मी की बात मैं टाल नहीं सकता, तो पहले चलो कटिंग करवाने चलते हैं, फिर आपसे बात करूँगा। ऐसे भी फिलहाल मैं कटिंग करवाने लिए खुशहाल का लंच देने जा रहा हूँ। खुशहाल अपना लंच ले जाना भूल गया था, तो पहले चलो लंच दूंगा फिर कटिंग करवाने जाऊँगा। तो पहले मैं लंच देता हूँ फिर आपसे मिलूँगा। A few minutes later, गाइस मैंने अभी उसका लंच दे दिया है, अब मैं जा रहा हूँ सीधा कटिंग करवाने, तो बिना आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, तो चलो पहले कटिंग करवाने चलते हैं सीधा। तो गाइस मैं कटिंग वाले के पास गया और वहाँ की दुकान ही बंद थी। मैंने उन भैया से पूछा भैया कब तक आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि दोपहर तक। मतलब मेरा पोपट होता ही होता है, मतलब मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी होके मैं इतनी खुशी से गया आज भाई जल्दी कटिंग हो जाएगी, सुबह भीड़ कम होती है, और वहाँ जाके देखा तो बंद है। मतलब गुस्सा आ रहा है बहुत, अब दोपहर को बोला है अब वेट करना पड़ेगा दोपहर तक का, फिर जाऊँगा। तो चलो यार आपको मैं दोपहर को दिखाऊँगा अगर उसकी दुकान खुली तो। फिलहाल के लिए तो अभी मैं जाता हूँ पढ़ाई करने, फिर आपसे मिलूँगा। गाइस फाइनली अब 12:13 हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने, देखते हैं भैया होंगे या नहीं होंगे। अगर अब भी नहीं हुआ तो मैं आगे कहीं चले जाऊँगा, फिर वहाँ देखते हैं। पहले तो मैं बाहर निकलता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा, वहाँ चल के पता चलेगा। मैं कटिंग करवा के आ रहा हूँ, ठीक है। Many hours later. तो सो गाइस मैं कटिंग करवा के आ गया था, तो मैंने वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार मैंने बोला उन्हें वीडियो बनाने के लिए, मैं अपना कैमरा सेट कर रहा था, तो वो बोल रहे भाई मत बनाओ। मैंने पूछा क्यों, तो वो कह रहे कि मैं प्रोफेशन छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को कोई और प्रोफेशन में काम करना है। तो मैंने अपने रिश्तेदारों को नहीं बता रखा इस काम के बारे में, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आपकी मर्ज़ी है। तो कह रहे कि बुरा मत मानना, मैंने कहा इसमें कोई बुरा मानने की बात है नहीं, उन्हें ना असल में ये काम छोड़ना था तो वो वीडियो नहीं बनाना चाहते थे उन्हें ये, क्योंकि आजकल ना मतलब अब ये चीज़ ब्लॉगिंग तो अभी अभी 2-3 साल के अंदर ज़्यादा हुई है, वरना पहले ब्लॉगिंग का इतना था नहीं, तो बहुत से बंदों को कुछ पता नहीं है ना ब्लॉगिंग के बारे में क्या होता है। तो उसे लग रहा था कि हम मैं कुछ गलत कर दूंगा उसकी दुकान के बारे में, तो शायद वो इसलिए मना कर रहा था जब बहाने पर देखे, तो मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई इसलिए। बाकी मैं कटिंग करवा के आ गया हूँ, बहुत मस्ती लग रही है। मैंने आज कटिंग इसलिए करवाई, आज हमें शादी में जाना है, तो आपको रात को पता चल जाएगा। मुझे भी जाना शादी में बाबू। असल बात ये है कि शादी में नहीं जाना, मुझे डॉक्टर के जाना है। अरे वो डॉक्टर ने, मैंने भी सुई लगानी है डॉक्टर ने। तेरे को क्या हुआ, अभी तू नीचे भाग रहा था रोते क्या? नहीं कोई डर, चोट था। तो तुम पोपट वाले काम करोगे तो यही होगा। पगले, पगले क्या, ये घटारा साइकिल को चलाएगा बार बार। कुछ सीख ले, कुछ कर ले, कब तक साइकिल चलाएगा? क्या जिसने भी लाइक नहीं किया जय दी करो, जय दी जय दी। कोई फायदा नहीं है भाई, सब्सक्राइब बेल आइकन चाहिए जिसने भी नहीं किया। एक एक बस गाइस मुझे यही बताना था, एक एक बात बोलूंगा पेट पर उजाओगे जय दी करो। Many hours later. गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:49 यानी 6:50, और मैं यहाँ शादी में जाने के लिए कब तैयार हो रहा हूँ, और ये पीछे पड़ गया है खुशहाल के, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना ब्रो, मुझे नहीं जाना, मुझे क्या हो गया मुझे भी। बाबू मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास की बात नहीं है, अकेला कैसे लेके जाऊँ? खड़ा हो, पहले खड़ा हो, खड़ा तो हो, सुन 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 बाबू, सुन तो ले, नहीं ले जा सकते। मम्मा अभी जोत लगा रही है, मम्मा से पूछ लियो। रुक जा, अभी जोत लगा दी, इधर आ, इधर आ, देख एक एक सच्चाई बताता हूँ, एक सच्चाई भाई, नहीं ले जा पाएंगे, गाड़ी में जगह ही नहीं है। नहीं मैं में बैठ जाऊंगा, देख नहीं ले जा सकते, मुझे जाना है, मुझे जो करना है कर ले, मुझे जाना। मारेगा ये तेरी, छोड़ मुझे छोड़ दे, मेरी टी शर्ट फट जाएगी यार, एक ही है, एक ही है, 2 दिन से वीडियो में काम चला रहा हूँ भाई, फिर टी शर्ट मत फाड़। मुझे जाना,
नहीं चलने दोगे तो फरूम भाई देख मैं थोड़ी जा सकता हूँ, मैं तो खुद फंस, ओए क्या कर दिया, मैं तो खुद फंस के जा रहा हूँ। जा रोता रहे, मम्मी मेरे कपड़े निकाल के दे दो जल्दी से। तो सो गाइस अभी मैं रेडी होता हूँ फिर आपसे मिलूंगा। ये कितनी जिद कर रहा है जाने के लिए, पर हम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये छोटा है, इसके पापा जा नहीं रहे, फिर शादी में तो दिक्कत आ जाएगी, इसे कौन देखेगा। अगर इसे देखूंगा तो मैं अपना कैसे खाऊंगा। जितना रोना है रो, तुझे कहीं नहीं जाना, तू ड्रामे कर रहा है। ले जाइए इसे, ले जाइए। अरे क्यों ले जाए, सुबह से टीवी देख रहा है, सुबह से टीवी देख रहा है ना, जब से आया है ना स्कूल से टीवी ही देख रहा है। क्योंकि आप मुझे शादी में नहीं ले जाना। नहीं लेके जाएंगे वो तो सच बात है, ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे ब्रो। क्या बाप चल गंदी बात देख लेते, ये यही करता है, घर खराब करता है ये, कुछ गंदी बात देख। अपना घर तो बड़े अच्छे से रखते है, हमारा खराब कर रहा है। गलत बात वही, खुश नहीं लेके जाएंगे। अच्छा जब आपकी मम्मी चलेगी ना तभी तो लेके जाएगी। हाँ यार अभी छोटा है ये, आप भी नहीं जा रहे ना, क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा। क्या मन? पापा जी टीवी देखने की है बस। नहीं टीवी भी, मैं टीवी मैंने टीवी का रिचार्ज ही नहीं करवाया और फिर भी मम्मी पता है मेरा फोन लेके देखने लग गई है टीवी। इतनी वो है, चिंता मत करो फोन में से भी जल्दी खत्म कर दूंगा। क्या कर रहा है ये, यही सीखा है क्या? गंदी बात, नहीं लेके जाएंगे बिल्कुल भी। देख भाई तू जो करना है कर ले, शादी में तू नहीं जा सकता क्योंकि तेरे पापा नहीं जा रहे। कैसे एक बात बता, क्या वहाँ कैसे करेगा सब कुछ? मैं तो अपना लग जाऊंगा खाने पीने में, मैं वहाँ ब्लॉग भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि शादी के अंदर कोई ब्लॉग नहीं बनाता। तेरे पापा ही नहीं जा रहे तो कहाँ से लेके जाऊंगा, मारियो मत। देख रहे हो कैसे बड़े भाई को मार रहा है, गंदी बात बेटा, मार रहा है। मैं कैसे लेके जाऊं बाबा को? हां मैं क्या दूंगा? देखो तुम दोनों शादी में नहीं आओगे, जाएंगे बात खत्म, पैसा आ जाए। जाएंगे, ये हरकत है देख रहे हो इसके बच्चों वाली। जाएंगे, बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ अब, बस पापा मम्मी तैयार हो रहे हैं फिर हम जाएंगे शादी में। मैं आपको मिलूंगा गाड़ी के अंदर, दिखाऊंगा वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, वैसे मुझे भी पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, तो मम्मी से आपको पूछे बता दूंगा। फिलहाल अभी मैं रेडी हूँ, सब तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे फिर शादी के अंदर। बहुत टाइम लगा दिया, अब चल लो सब चले गए बाहर, आप ही रह गए। गेट बंद कर दो अच्छे से, ये भी बंद कर दो लाइट, बहुत टाइम लगा देते हो। तो मम्मी तो आ गई है फिलहाल, खुशहाल नहीं आया क्योंकि उसकी मम्मी नहीं आई थी तो हम उसे लाए नहीं, वो रोता बहुत। अरे उसकी मम्मी ने आने भी नहीं दिया ना तो क्या करते थे, रो तो रहा था बहुत ज्यादा। हाँ पर हम भी क्या करें, टाइम भी लगता, वहाँ कुछ खाता भी कहाँ है उसका कुछ पता भी नहीं ना बेटा। और फिर जिद कर लेता घर वापस जाने तो दिक्कत आ जाती, वैसे भी दूर है थोड़ा। मेरी तो बात है, सही बात है, अगर उसके पापा उठते तब भी वो रुक जाता। हाँ अकेले नहीं रुक, जा कहाँ रहे हैं वैसे? मेरे को ये नहीं पता कहाँ जाना है। बनाना ट्रीट, अभी यहाँ से 21 मिनट का रास्ता रह गया और अभी टाइम हो रहा है, बड़ी मुश्किल से लाया, पापा ने जिद करी तो ये आई मम्मी। मैं तो बिल्कुल मना ही कर रही, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बेटा। यहाँ से 20 मिनट का रास्ता रह गया, 6.9 किलोमीटर रह रहा है और 20:46 हम पहुँच जाएंगे, यानी सही टाइम पे मैं पहुँच जाऊंगा। दिक्कत यही आएगी मुझे, रात को लेट तक जगना पड़ेगा एडिटिंग करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ सीधा खाना खा के सीधा इधर ही आ जाऊँगा, गाड़ी में बैठ के अपनी एडिट कर लूँगा, क्या मैं रुकूँगा भी फालतू। पापा अपने अलग ही धुन में, पापा की तो बस पूछ बात, पापा कैमरे को की बात रहती है, पापा कैमरे को देख के अलग ही हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूँ। इधर तो देख लो एक बार, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो हेलो जा रहे हैं कहाँ? किधर जा रहे हैं ये तो बताओ, पुल पे चढ़ लिए। अरे जा किधर रहे ये तो बताओ, बनाना ट्रीट होटल। अरे किस लिए जा रहे हो, शादी में जा रहे हैं, जा रहे हैं उसमे शादी है। One hour later हम पहुंच ही गए हैं लगभग लगभग, यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता रह गया है, पहुंचने वाले हैं। कहाँ है भाई, दिखाइयो मैप, गजपुरा ये जो है इसमें जाना है आज हमें, बनाना ट्रीट। पहले ही यहाँ पे पटाखे फूटने चालू हो गए हैं, अभी थोड़ी आई होगी वो,
क्या कहते हैं बारात, पापा यही है ये आगे लो थोड़ा तो ये रहा भाई। तो भाई चलो मैं आपको मिलूंगा बाद में, अभी जा रहा हूँ फिलहाल शादी के अंदर। ले जाऊंगा गली में बढ़ा लो उतार तो दू उतार दू। हम पहुंच चुके हैं, मैं मिलूंगा आपको शादी के बाद। जाने सिक्स फ्लोर पे दबा हुआ है, पैसे दबा रहे हैं बहुत टाइम लगता है। शुरू करते हैं अपना खाने पीने का प्रोग्राम। सो गाइस एडिटिंग इज डन नाउ। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आते आते, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसी तक बना रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। अब मैं सीधा सोने जाऊँगा। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जितने पहले की मैंने वीडियो उसने देखी है वो जाके देख लेना। बस यही कहता है, थैंक यू सो मच, बाय। You